तो हेलो ज्योग्राफी के चाहने वालों, आज हम पहुंच चुके हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इससे पहले हमने एशिया कर लिया है, यूरोप कर लिया है, अफ्रीका कर लिया है, नॉर्थ अमेरिका कर लिया है। तो इनकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोगों को ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली उनको जाके चेकआउट करें। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर आते हैं, नाम बताऊं मैं खुद ही या खुद जान जाओगे, लियोनेल मेसी की बात कर रहा हूं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आप लोगों को कमेंट से मुझे बताना है। और एक और रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी जाके, वीडियो पॉज करो और वीडियो को लाइक करो सबसे पहले। और आपको वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में एक हार्ट दे दिया करें वीडियो के एंड में। और एक और चीज मैं देख रहा हूँ कॉमेंट में जो रुकती नहीं है, बार बार लोग ये पूछते रहते हैं यार मेरी ये टी शर्ट का कलर जो है वो चेंज क्यों नहीं होता, दूसरी टी शर्ट में क्यों नहीं पहनता हूँ, क्या मेरे पास टी शर्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी जो हमारा 25,000 सब्सक्राइबर्स पे जो हमने Q&A बनाया था उस पर मैं आंसर दे चुका हूँ। और बाकी फिर भी किसी दिक्कत है कि क्यों मैं ये टी शर्ट चेंज नहीं करता तो भेज दो, एड्रेस दे देता हूं मैं उन सभी को, सारे के सारे मेरे पास टी शर्ट भेज दो, फिर उनको हर वीडियो में एक नई नई टी शर्ट में पहनता रहूंगा। तो ये तो हो गई इधर उधर की बात, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं टोटल 12 कंट्रीज के फ्लैग्स को हमें गेस करना है, टाइम मिलने वाला है सिर्फ 3 मिनट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्ले क्विज के बटन पे क्लिक किया और पहली कंट्री जो यहाँ पर है, यहाँ पे भी कुछ कंट्रीज के जो फ्लैग्स के कलर ना वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, तो ये वाला मैं फिलहाल गैस नहीं करना चाहूंगा, वापस आऊंगा मैं इस पे। फिर जो सेकंड वाला है ये भी मुझे डाउटफुल है, तीसरा वाला जो है ये आई थिंक इक्वाडोर होगा, विच इज राइट। नेक्स्ट वन फिर से मैं इसमें कंफ्यूज हूं, लेकिन ये जो फिफ्थ वाला है ये तो यार सबको पता रहता है, दिस इज ब्राजील। साउथ अमेरिका की एक ऐसी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री कि ऑलमोस्ट सारी जो बाकी की साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं उनके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। अगला वाला जो है ये है उरुग्वे, इनके बारे में एक फन फैक्ट बताऊं तो उरुग्वे पहला वो कंट्री है जिसने पहला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। और पता नहीं उरुग्वे और अर्जेंटीना का फ्लैग है उसमें इनिशियली बहुत कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि दोनों में सन बने हुए हैं ना। तो अगला जो कंट्री है दिस इज अर्जेंटीना, उसके बाद जो अगला वाला कंट्री आता है, देखो फ्लैग से कलर आपको सिमिलर से दिखेंगे, इक्वाडोर का जो फ्लैग है और ये जो मैं गेस करने जा रहा हूँ दिस इज वेनेजुएला। अगला वाला जो है दिस इज कोलंबिया, देखा मैंने बोला ना कंफ्यूजिंग होते हैं ये, तो इक्वाडोर का कलर देख लो आप, वेनेजुएला का कलर देख लो, कोलंबिया का कलर देख लो, बहुत सिमिलर से आपको देखने को मिलेंगे। अगला वाला जो ये फ्लैग है दिस इज सरीनेम, मैंने आपको बताया था ना जो हमारा गेस्ट कंट्री वाला वीडियो था कि सरीनेम में आपको बहुत ही ज्यादा जो इंडिया से माइग्रेटेड लोग हैं वो दिखाई देंगे आपको, बहुत ही ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे। और उसके बाद ये जो फ्लैग है आई एम नॉट श्योर बट दिस वन जो लास्ट वाला है दिस इज पेरू आई गेस, यस। और अब मुझे लगता है कि हम आसानी से गेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड कंट्रीज यहाँ पे हैं, जैसे कि ये जो फ्लैग हुआ है दिस इज ये थोड़ा कैरिबियन कंट्रीज वाला कलर्स हैं तो ये गयाना का होगा, ओके गयाना हो गया। और कौन सी कंट्रीज हमारी बच गई, एक हमारा बच गया होगा पराग्वे, तो ये पराग्वे करके देख लेते हैं, देखा पराग्वे। अब हमारे सिर्फ दो फ्लैग्स बचे हैं, तो इसके अलावा एक कंट्री बची हमारी बेलीज, तो ये बेलीज का फ्लैग तो नहीं है, चलो इसको बेलीज लिख के, सॉरी बेलीज बोल रहा हूँ, बोलीविया, ये बोलीविया नहीं है तो बोलीविया ये वाला होगा पक्का, यस। सिर्फ 5 सेकंड बताएं तो गेम तो खत्म ही हो गया हमारा। अरे यार ये चिले का फ्लैग था, मैंने गेस कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं अगर टाइम बचा रहता तो मैं गेस कर लेता, वैसे ये तो सब बहाने हैं। चलो मान लेते हैं कि हमें चिले का फ्लैग नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं होगी। आप लोगों को जो मैंने बोला था अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में एक हार्ट जरूर ड्रॉप करें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका भी आंसर दें, और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आप कितनी कंट्रीज गेस कर पाए। साथ ही आप लोगों का सजेशन के लिए मैं वेट कर रहा हूं कि अगली वीडियोस आप किस तरीके की देखना चाहते हैं, मैं लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूं, शॉर्ट्स के भी आप आइडियाज दे सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।